आज देखो हम एक यहाँ पर गेम खेलने वाले हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, जो हमारी मैथमेटिक्स की बुक है या कोई सी भी और बुक आपको कलेक्ट करनी है, कितनी, 10 10 हमने बुक्स यहाँ पर कलेक्ट की, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब देखो 10 बुक्स हमको क्या करनी है, एक दूसरे के ऊपर लगानी है ऐसे जैसे हमने यहाँ पे रखी हुई है। अब हमको एक बुक और लेनी है। अब देखो ये वाली जो बुक है, ये वाली बुक आपको इन बुक्स के ऊपर ऐसे खड़ी करके रखनी है, उधर से दबा के रखो बेटे थोड़ी जी, उधर से ऊपर से टॉप से ऊपर से, हाँ यहाँ से, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, ये जो खड़ी लाइन है जो हम पे हमने बुक्स खड़ी करी हुई हैं, और ये वाली जो बुक हमने ये टेढ़ी करके रखी हुई है, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, yes, sir, sir. ठीक है। कैसा एंगल है ये, यहाँ पे से देखो ना कैसे कोण बन रहा है, एक लाइन इसको मान लो और एक लाइन इसको मान लो, न्यून बन रहा है, सिंपल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है। इस वाली लाइन की तरफ झुकी हुई लाइन है ये, तो कैसा कोण बन रहा है, न्यून कोण। अब आपको ये जो हमारा गेम है, इस गेम में आपको ये बताना है कि अभी तो हम 10 बुक्स के साथ कर रहे हैं, 10 बुक्स के साथ हमने क्या करा है, इस बुक को हमने ऐसे रखा है। अब हम एक चौक लेते हैं, ठीक है, या हम पेन ले लेते हैं, उधर से पेन को रोकना, ठीक है। अब देखो ये पेन हम यहाँ से क्या करेंगे, लुढ़काएंगे, लुढ़क गई, ठीक है, तेज़ी से गई, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अब इनमें से हम चार बुक्स हटा देते हैं, चार बुक्स हटाओ जरा, एक बच्चा हटाओ कोई से भी, चार बुक्स हटा दी, अब रखो, अब इसे उधर से पकड़ के रखो वैसे ही, ठीक है। अभी भी यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ठीक है। अब ये बताओ अभी कौन सा एंगल बन रहा है, अभी भी न्यू नहीं बन रहा है, पहले भी न्यू नहीं बन रहा था, लेकिन पहले एंगल कम था या अब एंगल कम है, अब एंगल कम है। ये देखो ना, एक ही लाइन है और एक ही लाइन है, पहले हमारी जो बुक थी ये ऐसी थी, ठीक है, तो पहले एंगल क्या था, कम, अब एंगल क्या हो गया है, ज़्यादा। अब देखो अब ये बताओ कि पहले जो ये पेन थी तेज लुढ़क रही थी कि अब तेज लुढ़क रही है, पहले तेज लुढ़क रही थी, इसका मतलब जब एंगल कम होता है तो चीज़ें क्या होती हैं, तेज़ी से लुढ़कती हैं, और जब एंगल क्या होता है, ज़्यादा, तो तब जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, धीरे धीरे लुढ़कती हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, हम इस बुक को बिल्कुल इसके ऊपर सीधी ऐसे पकड़ के रखो जरा, बिल्कुल ऐसे जैसी ये हमने रखी हुई है, अब कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, जीरो का। इस वाले पे देखो ना, इस वाले को मानो लाइन, आप इस वाले को नहीं माननी लाइन, ये वाली लाइन और इस पे सम बन रहा है ना, ये देखो ना, एक ही लाइन और एक ही लाइन है, सम बन रहा है। क्या अब ये पेन लुढ़क सकती है, नहीं लुढ़क सकती ना, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना कि जब भी एंगल क्या होगा, जितना ज्यादा एंगल कम होगा उतनी ज्यादा तेजी से क्या होंगी, चीजें लुढ़केंगी, और जितना ज्यादा एंगल क्या होगा, ज्यादा चीजें लुढ़केंगी नहीं। अगर एंगल आपका 90 डिग्री का हो जाएगा तो 90 डिग्री पे चीजें नहीं लुढ़केंगी। फॉर एग्जांपल आपके घर में जैसे छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी अगर हम 90 डिग्री पे ऐसे खड़ी रख दे तो चढ़ पाओगे आप उसमें, नहीं। जितना ज्यादा टेढ़ी होगी आपकी सीढ़ी, उतना चढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी आपको घर पे करके देखना है गेम, ठीक है।